सूरत में हुए अग्निकांड जिसमें 20 बच्चों ने अपनी जान गंवाई, उसको लेकर ऑल इंडिया डीएसओ ने धरना प्रदर्शन किया एवं जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नगर पालिका परिषद के सामने आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में ऑल इंडिया डीएसओ के कार्यकर्ताओं ने सभी दिवंगत छात्र छात्राओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही प्रशासन से मांग की कि गुना में जिस तरह से कोचिंग सेंटरों की बाढ़ आई है उस पर नियंत्रण रखें एवं छात्र छात्राओं की सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि कल ग्राउंड रिपोर्टर ने भी इस बात की पड़ताल की थी कि गुना में जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उसमें किसी भी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अब देखने लायक होगा कि जिला प्रशासन किस तरह से इन कोचिंग सेंटर संचालकों एवं जिन भवनों में ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उन पर कार्रवाई करता है। आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं, अपनी ओर से दो फूल दो पुष्प उन छात्रों को श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करें। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ की ओर से यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम कर रहे हैं। गुजरात में सूरत में जो कोचिंग संस्थान में जो दुर्घटना घटित हुई कल के दिन, जिसमें लगभग 23 से के लगभग छात्र और उसमें एक शिक्षक की भी जो मौत हुई है, और अभी भी कई सारे छात्र जो उस बिल्डिंग में अपनी जान बचाने के लिए कूद गए, वो उनकी भी हालत नाजुक है, हो सकता है मतलब उनकी भी हालत बहुत ठीक नहीं। ऐसे एक टाइम में हम लोग उन छात्रों के लिए शिक्षक के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा मानना है, हमारी डिमांड भी है कि जहाँ पर भी इस तरह से जो शिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं वहाँ पे कम से कम कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, वहाँ पे मिनिमम जो मानक जो निश्चित किए जाएं सुरक्षा की दृष्टि से, उन मानकों को वो संस्थान पूरा करें और इसी के साथ में उन संस्थानों को डेवलप किया जाए। अन्यथा हम देखते हैं कि पिछले साल भी सूरत में ही एक और घटना में इसी तरह से एक दुर्घटना में छात्र की मौत हुई थी। हम चाहते हैं कि तमाम संस्थान जितने भी संचालित किए जा रहे हैं उनमें सुरक्षा की दृष्टि को बेसिक रूप से ध्यान में रखा जाए, और आज हम उन छात्रों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, साथ ही साथ ये डिमांड कर रहे हैं कि सुरक्षा के इंतजामों को और अच्छे से तगड़ा किया जाए, व्यवस्थित किया जाए।